So today our session actually is on the early life of Sir Sayyid Ahmed Khan. That is very much contextual with the early 19th century Delhi. And it's talking about the socio-cultural fabric of early 19th century Delhi. And also, so that we can continue, our people are waiting inside the space. So, Khalid bhai, first of all, most welcome to both of you, and very much thanks to have a title like this. And I'm really honored to host this session. People who don't know you, that Khalid bhai is a history buff and a great enthusiast for the languages, especially the Oriental languages, considering the Hindi, Urdu, and Persian, all three languages, including the poetry, literature, and history, he has been mastered down the ages or down the decades. And his articles have appeared at the different forums and different blogs, and also some of the selected chapters in the books, especially History of Allahabad, that is his own, not a hometown, but his ancestral town, where he has worked very much close to the micro heritage, and his special affiliations are with the people stories, considering the biographical accounts and genealogical background of the prominent people. So Khalid bhai, most welcome, and I'm opening a session for you that how we look towards the Delhi of early 19th century. Kya pas manzar tha us waqt Delhi ka, aur kya daur tha, matlab jis waqt Sir Sayyid ye gharane mein paida hue purani Delhi ke. बहुत शुक्रिया रेहान भाई मौका देने के लिए. दिल्ली, आप दिल्ली क्योंकि दारुसल्तनत थी तो वहां पर वो जवाहिर, वो मजाहिर, यानी वो चीजें मैनिफेस्टेशन ज्यादा था. लेकिन मैंने जैसे एक पिछली टॉक में भी कहा था कि मुसलमानों की जो हालत थी या जो आम लोगों की हालत थी उस वक्त, उनकी जिंदगी में जो गिरावट और जवाल और डीके आया था, ये बहुत सी वजूहत थी. एक तो सबसे बड़ी वजह जो थी वो मुगल सल्तनत का कमजोर हो जाना और इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट का बिल्कुल बंद हो जाना, जंगों का होना, अंग्रेजों का बराबर हमला करते रहना. उस दौरान में यह हुआ कि जो पूरा शिमाली हिंद था उस जमाने में, राजस्थान, मराठवाड़ा और दक्कन, ये तीनों दो तीन रियासतें और बड़े इलाके ऐसे थे जहां पर निस्बतन, यानी कंपैरेटिवली, यहां से बेहतर हालत थी. लेकिन दिल्ली और बंगाल, जिसमें उस वक्त का उड़ीसा और बिहार भी शामिल था, और शिमाली हिंद में आगरा और अवध, ये सभी इलाके थे, ये नहायत पस्ती के हालत. इतनी पस्ती के, जैसे मैंने पिछली मरतबे डिटेल भी दी थी कि डॉक्टर हंटर ने डिटेल भी दी है उस जमाने की, खासकर उसने बंगाली वगैरह की डिटेल दी, तो बहुत ही खराब हालत थे बिलखसूस मुसलमानों की, बहुत ही खराब हालत थी. और उससे ज्यादा जो जवाल आया वो हमारा अखलाकी पस्ती और अखलाकी जवाल जो था वो इंतहा को पहुंचा हुआ. इकोनॉमिकल कंडीशन का ऊपर नीचे हो जाना, हुकूमतों का आना जाना एक ऐसी चीज है जो बहुत कुछ अपने कंट्रोल में नहीं भी होता है, लेकिन जहां तक अखलाकी हालात थे वो बड़े बहुत खराब हो चुके थे. दुनिया की ऐसी कोई बुराई और ऐसी कोई बाजी नहीं थी जो सब देने में शोफा में, खासकर मैं शरीफों की बात कर रहा हूँ, जो हाई ब्रेड और हाई बॉर्न फैमिलीज के लोग थे, वो उन तमाम बुराइयों में, उन तमाम बुरी आदतों में मुलविस थे और उनको अपने शान का हिस्सा समझते थे जिंदगी में, जिसमें 50 बरस बाद या 100 बरस बाद लोग उसको लानत भेजते थे उन तमाम अफआल पे, उन तमाम आदतों पे. तो अगर सिर्फ इकोनॉमिकल कंडीशन की बात होती तो उनका हल उनका मुश्किल नहीं था, लेकिन उस जमाने में हर शोबे में, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, दिमागी पस्ती हो, हर लिहाज से इल्मी तौर पे पीछे हो गए थे. वो अपने ही कुरान और हदीस नहीं पढ़ते थे. दूसरी तरफ यूरोप से जो नया आया था, दिल्ली कॉलेज कायम हो गया था, अंग्रेज चाहते थे कि आप नए उलूम जो हम मगरिब से लेके आए हैं, वेस्टर्न मैथमेटिक्स है, साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, ये सब को आप पढ़ें, ज्योग्राफी है. हमारे यहाँ उनका लोग उसको मजाक उड़ाते थे और सब पतावे कुछ जारी हो गए थे. उस बुनियाद पर बहुत कम लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होते थे. तो वो जवाल और वो जो पस्ती का मंजर था वो गहराता जा रहा था और मुश्किल होता जा रहा था. लिटरेचर की हालत बड़ी खराब थी. बहरहाल इन्हीं माहौल में, मतलब आप ये देखें कि
एक जगह पर मेरे ख्याल में सर सैयद ने खुद 1800 ख्याल में 1800 के अवायल में जब इन्होंने किताबें लिखी हैं तो उन्होंने लिखा है, दिल्ली ऐसी जगह है जहां हर घर के अंदर एक आदमी जो बैठा है वो जवाहर में तोड़ने के लायक है और दुनिया में उसकी नजीर नहीं है, फकीदुल मिसाल है, ना बुरा रोजगार है। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी कि हर शख्स हजार हजार खूबी का मजमू और लाख लाख हुनरों का गुलदस्ता है, हर एक को इल्म हुनर का शौक और दिन रात लिखने पढ़ने का शौक। फिर वही सर सैयद अहमद खान, ये मकालात सर सैयद में मौजूद है ये सब जिंदे, उसके बाद 1818 उसके कुछ 62 या 72 के आसपास लिख रहे हैं जब गदर हो गई, बर्बादी हो गई, तो लिखते हैं कि वहां के लोगों पर, वहां के घरों पर, मोहल्लों पर अब तक नहुसत बरसती, उनकी तबीयत में, उनके अखलाक में, राह और रस्म में, सोशल हालत में ऐसी तब्दीली हो गई है कि जब कभी दिल्ली जाता हूँ और किसी से मुलाकात होती है तो उनकी बातें सुनकर मुताज्जिब होता हूँ कि यार ये किस मुल्क के लोग हैं, किस देश के रहने वाले हैं, खुदा ने दिल्ली से सब कुछ छीन लिया। ये मक्तूबात में उनके जो लेटर्स हैं उसमें मिलता है। इसी तरह आप याद करें तो गालिब ने जो मीर मेहदी मजरू वगैरह वो खत लिखे उसमें मिली हुई, भाई क्या पूछते हो, क्या लिखूं, दिल्ली की हस्ती मुनसर कई हंगामों पर थी, पहला चांदनी चौक, हर रोज मजमा बाजार जामा मस्जिद का, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला पुल वालों का, ये पांचों बातें अब हैं। फिर कहो दिल्ली कहाँ है, हाँ कोई शहर कलम रुए हिंद में इस नाम का था, मस्जिद जाता हुआ राजघाट से दरवाजे को चला, जामा मस्जिद से राजघाट दरवाजे तक विला मुबालगा एक सहराए लखो तक है, अवाहिनी सड़क के वास्ते कलकत्ता दरवाजे से काबुली दरवाजे तक मैदान हो गया। किस्सा मुख्तसर, शहर सहरा हो गए, वल्ला आप शहर नहीं, ये कम है, कम छावनी है, न किला बचा, न शहर, न बाजार, न नहर। ये गालिब ने लिखा है तो ये पूरी तस्वीर आपके सामने 1860 में खींच देता है कि उस वक्त क्या हालात थे और किस बर्बादी के दौर से लोग उस पर गुजर रहे हैं। ये दिल्ली के उस वक्त के जो हालात थे उन्होंने मुख्तसरन आपको बताया। खालिद भाई बहुत शुक्रिया। तो उस दौर में, उन हालात में जब सर सैयद की पैदाइश हुई तो पहले तो थोड़ा सा एक सर सैयद की अपनी पर्सनल बैकग्राउंड जो थी, उनकी जो लीगेसी थी जिससे उनका ताल्लुक था, उसका कुछ थोड़ा सा अगर पस मंजर बयान करें। दोबारा कहेंगे, मैं सुन नहीं पाया। सॉरी खालिद भाई, मैं ये कह रहा था कि सर सैयद जिस बैकग्राउंड में पैदा हुए थे, उनकी घरेलू तालीम, उनका जो कनेक्शन, उनका जो मुगल दरबार से कनेक्शन था या दिल्ली की उस सखावत से कनेक्शन था, उसको कुछ थोड़ा सा बयान करें। जी जी, सर सैयद अहमद खान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए, वालिद की तरफ से वो हुसैनी सैयद थे और 36 वास्तों से उनका नसब जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। शजर नसब जैसे जिसने देखा है, जिससे मालूम होता है, उसमें दर्ज भी है कई जगह पर, उसे मालूम होता है कि इमाम मोहम्मद तकी बिन इमाम मूसा रजा अलैहिस्सलाम तक उनका शजरा पहुंचता है। तकवी अपने आप को वो कई कई जगहों पर उन्होंने कहते भी थे, वो लिखते भी थे कि कुछ मकाम। तो इनका खानदान एक्चुअली ईरान, जब बनी उमैया के जुल्म सितम पर ईरान में लोग आके आबाद हुए हैं सादात के खानदान, तो दामगान में ये खानदान ईरान का शहर है, वहां से ये लोग हेरात आ गए थे जो अब अफगानिस्तान का एक हिस्सा है, और उनके एक बुजुर्ग पहल शाहजहां के हद में यहाँ आए, और फिर उनका उन लोगों का किसी न किसी तरह से ताल्लुक अकबर शाह जो सेकंड थे उन तक सिलसिला उनका किसी न किसी तौर पर रहा, शाही दरबार से या हुकूमत की मुलाजिमत। एक सैयद मोहम्मद थे इनके, सर सैयद से पांच पुश्त ऊपर पांचवें दादा थे, वो डेक्कन की मुहिम में औरंगजेब के साथ, तो अपनी फोर्सेस के साथ वो मोर्चे पे थे, तभी उन्होंने अकेले एक किसी दुश्मन के बड़े ठिकाने को फतेह कर लिया और तने तनहा जाके उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, तो आलमगीर ने उनको यक्का बहादुर का खिताब दिया। यक्का है मैंने एक, यानी इन्होंने सिंगुलरली जाके वो मोर्चा फतेह कर लिया। इसके बाद जो ये यक्का बहादुर साहब थे, ये वापस हेरात चले गए, हिंदुस्तान से वापस हेरात चले गए अफगानिस्तान, फिर हिंदुस्तान वापस नहीं आए, मगर उनके जो बेटे थे सैयद बुरहान, वो वहां से आकर दिल्ली में आबाद हो गए, वालिद वापस चले गए, उनके बेटे आके आबाद हो गए, और फिर उन्हें दिल्ली में सुकूनत में रहने भी लग गए। उनके बेटे सैयद इमाद हुए और उनके फिर दो बेटे हुए, सैयद हादी और मेहदी। तो हादी जो है ये दादा सैयद,
और आलमगीर जो अजीजुद्दीन आलमगीर सानी कहलाता है, आलमगीर द सेकंड, उसका जब दूसरा साल हुआ है 1168 हिजरी के आसपास, उसने इनको जव्वाद अली खान का खिताब दिया और हजारी मनसब अता किया 1000 सवारों के और 500 घोड़े, 1000 जात, इस तरह के तमाम। और उनके भाई को भी मनसब दिया, लेकिन उनके भाई फिर ये जो है दक्कन चले गए, दूसरे वाले जो भाई थे। जवाद अली खान दहेज बादशाह में रहे और फिर इन्होंने दिल्ली में, कदीम दिल्ली में ऊंचा चालान के पास वहां पे मकान बनाया, इतरा बेराम खान के पास इनका मकान रहा। और फिर जब आलमगीर का दौर खत्म हो गया तो शाह आलम बादशाह के जमाने में सैयद के दादा को जवादुद्दौला का भी खिताब अता किया गया और बड़े मोतबर, बड़े जिम्मेदार और बड़े काबिल इनके दादा थे। एक जमाने में उनसे कहा गया कि हमारे इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ की खराब है और बहुत लोग जो है पैसा जाया करते हैं, तो उन्होंने इतनी कदगन लगा दी वहां पर, खाने पीने पर्दा और जो फालतू के खराजात हो रहे थे किले के अंदर, उस सब उन्होंने रोक दिए। इतने ज्यादा उन्होंने किए कि जो कई लाखों का जो कर्ज उनके ऊपर चढ़ता जा रहा था महीने, वो अदा होना शुरू हो गया। इतना मैनेजमेंट उनका चुस्त था कि वो अदा होना शुरू हो गया और कर्ज बड़ी हद तक अदा हो गया। उसके बाद उन्हीं के खिलाफ साजिश हो गई, जैसे भी होता है, तमाम दरबार के लोगों की मौज मस्ती और अंगरंगिया उनमें कमी आ गई, उनको फिर अलहदा होना पड़ा वहां से। लेकिन उनकी अहमियत, उनकी इज्जत किले मोहल्ला से हमेशा बनी रही, यहाँ तक कि सर सैयद अहमद खान तक, वो खिताब जो उनके दादा परदादा का था वो सर सैयद अहमद खान तक कायम रहा और उनको बाकायदा बुलाकर दरबार में वो खिलत, वो पारचा और वो खिताब वगैरह सब दिए गए। सर सैयद अहमद खान बचपन में अपने दादा के साथ भी दरबारों में गए और उनको, उनका उन्होंने साफ लिखा है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि बादशाह उठ के कहाँ जा रहे थे, फिर उन्होंने उनसे पूछा कि तुम देर से क्यों आए, मैं देर से पहुंचा था, और फिर वो उठ के खासा लेके अंदर चले गए। मतलब उन्होंने पूरा बयान किया उस तरह के। जब शाह आलम का भी दरबार खत्म हुआ तो उसके बाद इनके वालिद साहब को वो मिला, तो इनके वालिद साहब का नाम सैयद मुत्तकी, जिनको मीर मुत्तकी कहा जाता था, लेकिन वो मिजाजन आजाद तबीयत के आदमी थे, उनके यहाँ दरबार में जाना, खिदमत करना काबिल बहुत थे, लेकिन उनका झुकाव सूफी तसव्वुफ की तरफ आ गया, रूहानियत की तरफ आ गया। तो वो दिल्ली में एक बड़े बुजुर्ग थे, शाह गुलाम अली नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, तो ये वहां जाके ये मुरीद हो गए और उन्हीं के साथ फिर रहा किया और उन्हीं के तर्ज पर अपनी जिंदगी गुजारने लगे, और वो शहजादगी और शहजादों की जो दोस्ती थी उन्होंने खत्म कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई। सर सैयद के ननिहाल पे कुछ अगर लाइट शेड करें, ख्वाजा फरीद जो थे ये कहाँ से आए थे, इनका क्या कश्मीर से कोई ताल्लुक था, एंड दे बिलोंग टू अ ट्रेडर्स कम्युनिटी, मतलब कुछ बिजनेस वगैरह के सिलसिले से दिल्ली आए थे, उसके बाद वो दरबार में उनका कुछ इंट्रोडक्शन हुआ, या उससे पहले से उनका कोई ताल्लुक था दिल्ली से? जी 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 जी, सर सैयद के जो ननिहाल थे वो सर सैयद ने खुद उसके लिए अपने नाना के ऊपर एक पूरी बुक लिखी है, सीरत फरीदिया, अपने नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद के बारे में लिखी है, उन्होंने बड़ी डिटेल्स उसके अंदर लिखा है, अपने दादियाल ज़्यादा उसका जिक्र किया है। ये ख्वाजा यूसुफ हमदानी एक बुजुर्ग गुजरे, उनके औलाद में लिखे, और ये तजारत के सिलसिले में सेंट्रल एशिया से कश्मीर आए थे और कश्मीरी जो शाल होती है उनकी तजारत का काम शुरू कर दिया था, और फिर बाद में उन्होंने कुछ अरसे के बाद दिल्ली में उन्होंने रिहाइश अख्तियार कर ली, उनके बेटे फिर ख्वाजा अशरफ, उनके बेटे फिर 8 और 9 बेटे हुए और फिर वो लोग यहीं रहने लगे। और इनके खानदान में बुजुर्गी रही है, एक बहुत मशहूर सिलसिला है सोहरावर्दिया सिलसिले में, एक कहलाता रसूल फिदा शाही सिलसिला, वो इन्हीं के नाना के भाई थे फिदा हुसैन शाह साहब, वो बड़ा अजीबो गरीब सिलसिला था। और इनके जो मामू थे वो ख्वाजा जैनुल आबदीन कहलाते थे, नवाब जैनुल आबदीन, वो मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, एल्गोरिथम, और ये इस कितने माहिरीन में थे कि वो पूरे मुल्क में, कोई आप समझिए कि दूर दूर से लोग उनसे पढ़ने आते थे, और वो एस्ट्रोलैब वगैरह जो बनाने के, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के इतने बड़े माहिर थे कि बड़े बड़े अंग्रेजों ने उनसे वो उस चीज़ को सीखा और लेके यूके वगैरह गए। सर सैयद ने उसका जिक्र भी किया है कि उनके 2-3 रसाले थे जो बाद में पटियाला के कुतुबखाने से दरियाफ्त हुए, बहुत से ज़ाया हो गए गदर के दौरान ही, तो उसको बाद में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ की लाइब्रेरी में भी रखवाया। इनके नाना का खिताब दबीरुद्दौला अमीनुल मुल्क ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद खान बहादुर कहलाते थे वो,
एक जमाने में जब कलकत्ता में मदरसा कायम हुआ तो उसके एक सुपरिंटेंडेंट बना के भी भेजे गए, यहाँ से कलकत्ता चले गए, फिर वो ईरान में यहाँ से इन्वॉल्व की हैसियत से भी गए। वो ईरान इन्वॉल्व की हैसियत से भी गए थे। अच्छा खालिद, ये जो लखनऊ के मशहूर जो आसिफुद्दौला के टाइम में तफसल हुसैन साहब जो थे, उनसे भी इन्होंने कोई तालीम हासिल की थी, ऐसे भी कुछ अकाउंट्स मिले? जी जी, तफसल हुसैन साहब लखनऊ में जो पहला सफर जब गया था तो ये तफसल हुसैन साहब के पास वहां रहे, उनसे भी इन्होंने सीखा है। और क्योंकि तफजुल हुसैन साहब जो मैथमेटिक्स थी इसके बड़े माहिरीन में थे, तो तीन बरस इन्होंने मैथमेटिक्स के सिलसिले में ही वहाँ रहे, इनके मामू भी वहाँ गए, फिर दिल्ली वापस, आसिफुद्दौला का जमाना था वो, फिर 1212 वगैरह में शायद फिर दोबारा ये वहाँ गए, और इनके मामू का ख्वाजा फरीद का इंतकाल भी लखनऊ में ही हुआ जी। और खालिद भाई, एक पेंटिंग बहुत चलती है जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद है, तो ऐसा लगता है कि सर सैयद के पास भी गदर से पहले एक पेंटिंग थी, मुझे लगता है उसकी मुशाबहत है, जिसमें वो कहते हैं कि डेविड और कैटलोनी के साथ वो शाह अकबर शाह सानी के दरबार में खड़े हुए, जैसे हमने तवारीख वानी पे डाला भी है थोड़ा डिस्कशन कर। बिल्कुल, कैटलोनी वगैरह ये इनके बड़े दोस्तों में थे और यहाँ तक कि घर भी आया करते थे। सर सैयद ने लिखा है कि मैं छोटा था, मैं देखता था अंग्रेज आए और सवारी भी उतरे और उन्होंने नाना का नाम पूछा, बाद में किसी ने बताया रेजिडेंट बहादुर है ये, उनकी बड़ी उनसे मुलाकात की। और ख्वाजा फरीद करके वहाँ पे वो नाम भी नीचे मेंशन है पेंटिंग के कैप्शन में, और शरद भाई अक्सर हमारे जो दोस्त हैं ये पेंटिंग्स बहुत शेयर करते हैं, तो इन्होंने भी कई बार उसको शेयर किया। जी जी, उनके दोस्तों में थे, बिल्कुल उनके दोस्तों में थे ये, इनके ननिहाल ख्वाजा फरीदुद्दीन साहब जो थे इनसे बड़ी दोस्ती थी, बड़े मोतबर उनको रंजीत सिंह ने बुलाया था कि अगर आप दरबार से जब भी अलहदा हो तो आप मेरी तरफ आइए, आप जैसे काबिल आदमी को पाके मैं बड़ा खुश नसीब हो जाऊंगा। और ये बहुत ही नहायत ईमानदार जिम्मेदार और ऐसा शख्स उस दौर में दिखता ही नहीं, अगर ऐसे चार पांच शख्स और होते तो हमें लगता नहीं कि बादशाह की सल्तनत जाती, इतने अच्छे मैनेजर थे, इतने अच्छे जिम्मेदार आदमी थे वो। तो ये रंजीत सिंह ने साफ लिख के लेटर उनको बुलाया था इसीलिए, लेकिन नहीं गए, इनकी वालदा ने जो है फिर उनको मना किया था, क्या नाम है अपना, सर सैयद अहमद खान की वालदा। तो अकबर शाह सेकंड ने फिर उनको कलकत्ता से बुलाया कि आप वहां रह जाने दीजिए, गवर्नमेंट का जो मदरसा वो छोड़िए, आप इधर आइए, आप मेरे वजीर फिर हो जाइए। फिर उन्होंने कुछ दिन काम किया, फिर वहां से हट गए, टकसाल नहीं थे, टकसाल जो है वो उन्होंने दोबारा बनवाई, मिंट दोबारा दिल्ली में बनवाई, लोग उसको लूटे डाल रहे थे। तो बहुत इनका लंबा अकाउंट इन्होंने सीरत फरीदी में काफी अच्छा इनको अकाउंट दिया हुआ है। उनके दो बेटे थे, एक बड़े वहीदुद्दीन खान साहब थे जो मिर्जा जहांगीर कहलाते थे, अपने शाही शहजादे थे मुगल, उनकी सरकार में मुख्तार बने हुए थे और वो नमाज पढ़ रहे थे, ये दिल्ली में जब फतेह हुई तो फौज के किसी सिपाही ने गोली मार दी तो वो नमाज पढ़ने के दौरान ही खत्म हो गए। दूसरे मामू जो थे वो जैनुल आबदीन खान थे, जिनको वालिद साहब के फरीदुद्दीन फरीद साहब के डेथ के बाद दबीरुद्दौला खिताब बादशाह ने दिया और इनको एस्ट्रोलैब बनाने में, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में बहुत महारत हासिल थी। और इनकी वालदा जो है उनका बयान करना मैं चाहूंगा, उसके बाद आगे मेरे ख्याल में आतिफ साहब लेके बढ़े। इनकी